अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज दिनांक 1 फरवरी 2020 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी उन्नाव की जानिब से पार्टी कार्यालय चिपयाना चौराहा उन्नाव में मरहूम जनाबीन अहमद पूर्व विदेश रेल मानव संसाधन राज्य मंत्री भारत सरकार एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पुण्यतिथि पर दुआएं मकफिरत का कार्यक्रम किया गया और ईद इस मौके पर मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अहमद ने कहा कि ईद अहमद पूर्व विदेश मंत्री केरल राज्य के मलामपुरम से 7 बार लोकसभा सांसद रहे एवं भारत सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए। अगर इसी कड़ी को आगे देखा जाए तो ई अहमद साहब ने अपनी सारी जिंदगी समाज को जोड़न के लिए लगा दी और 1 फरवरी 2017 को अपनी आखिरी सांस संसद भवन में ली। पुण्यतिथि के मौके पर मोहम्मद जाबिर नफीस अहमद अफाक खान कमलेश कुमार रावत रमजान अली हाजी लद्दीन सलमान अहमद मोहम्मद आसिफ मून भाई संजय जायसवाल उमेश चंद्र श्रीवास्तव दिलशाद अहमद इकराम मोहम्मद फरीदी जहीर अब्बास हबीब अहमद लयकर सारी आदि लोग मौजूद रहे। हम ये कहना चाहते हैं हम लोग इसलिए मना रहे हैं उनकी संसद भवन के अंदर उनका इंतकाल हुआ। ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं जो संसद भवन के अंदर मतलब स्पीच देते हुए और ये उनके हालात हो। मेन चीज़ ये है 7 बार MLA रहे 7 बार सांसद रहे उन्होंने शिक्षा पे बड़े स्तर पे काम किया। आज कम से कम 10वीं यूनिवर्सिटी केरला के अंदर है कितने पासपोर्ट आपकी जिले वाइज है कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उन्होंने हर समाज के लिए काम किया। और दूसरी बात यह है भारत सरकार गवर्नमेंट में उन्होंने विदेश मंत्री थे रेलवे मंत्री थे मानव संसाधन मंत्री थे शिक्षा पे मानव संसाधन मंत्रालय इसलिए उनको दिया गया उन्होंने शिक्षा पे बड़ा ज्ञान था और अंतर्राष्ट्रीय